लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। करीब 3 से 6 इंच तक गिर चुकी है बर्फ। घाटी में मौसम खराब से लोग परेशान। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में 7 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकलने के लिए लोगों से कहा गया है, क्योंकि देखिए बर्फबारी हुई है, मौसम में परिवर्तन, ठंड बढ़ गई है और बहुत से रास्ते से प्रभावित हो गए हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। और ऐसे में लोगों से अपील प्रशासन ने यही की है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि रास्तों पर बर्फ जमा हो गई है। बहुत से रास्तों को साफ भी किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रेमलाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रेमलाल, क्या कुछ जानकारी, मौसम में परिवर्तन हुआ के जनजीवन पर कितना असर? जी बिल्कुल, काफी लंबे समय के बाद लाहौल घाटी में बर्फबारी हुई है। पिछले रात को काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी जो है मौसम कुछ खुल गया है और इसके चलते जो है जो लगातार जो पिछले कल भी बर्फबारी हुई है और दिन को भी मौसम खराब था, और इसके चलते जो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां तक किसानों और बागवानों की बात की जाए तो उन लंबे समय से ये बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब आने वाले कुछ समय में ही यहां पर बिजाई का काम शुरू होने वाला है। तो ऐसे में क्योंकि नमी बेहद कम हो गई थी और कई इलाके बिल्कुल जो सूखे जैसे हालात बन गए थे और बर्फबारी भी इस साल सर्दियों में बेहद कम पड़ी थी, तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं सूखे जैसे हालात बन गए थे। लेकिन जो बर्फबारी अभी हुई है, पिछले कल हुई है, तो इसके चलते जो कहीं ना कहीं जो किसान और बागवानों के चेहरे पे जो है थोड़ी से जो है राहत महसूस कर रहे हैं। अभी मौसम क्योंकि अभी थोड़ा बादल गिरे हुए हैं, बादलों से गिरा हुआ है और तापमान भी काफी नीचे चला गया है, और वहीं जो है जिला प्रशासन ने भी लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि अटल टनल के जो नॉर्थ पोर्टल है वहां पर भी बर्फबारी हुई है और बाकी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, तो ऐसे में जो गैर जरूरी जो यात्रा है उससे बचने की सलाह दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलाल जी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुँचाई है।